अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी एजुकेटर गार्डन वेस्ट कैंपस। आई एम टेकिंग योर मैथ सब्जेक्ट इन क्लास 4। इससे पहले वाली पार्ट 5 में आपको पुराने काम की एक्सप्लेनेशन दे दी गई थी, उससे आगे का काम है जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। पार्ट मेंशन करने की कोई नीड नहीं है, ये जस्ट वीडियो मेकिंग के लिए है। आप अपना काम अपनी कॉपी में, ठीक है, जिस तरीके से क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसी तरह करना है। पेज नंबर 31 में एक्सरसाइज 9 मेंशन है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन अभी हम सिर्फ जो है पार्ट ए करेंगे, क्योंकि पार्ट ए के ही है 8 क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पार्ट ए के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। बाकी क्वेश्चन बी सी डी ई एंड एफ ये आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज 9 मेंशन करेंगे, कॉपी के बोथ साइड लाइन ड्रॉ करेंगे, रेड लाइन आपके पास ऑलरेडी मार्जिन के थ्रू जो है ऑलरेडी ड्रॉ आती है, बोथ साइड अब विद ब्लू कलर आपको लाजमी ड्रॉ करना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। पेज नंबर शो करेंगे, पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वीडियो मेकिंग के लिए। क्वेश्चन उतारेंगे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 42 एंड 63, ठीक है। अब हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 42, फिर फाइंड आउट करेंगे 42 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले स्टार्ट विथ 1, इसके अलावा 42 आता है 2 के टेबल में। हाउ मेनी टाइम्स 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, कैंसिलाइजेशन करके देखेंगे, टेबल फाइंड आउट खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 14 के टेबल में, 21 42। इसके बाद सेकेंड नंबर से 63, फैक्टर्स ऑफ 63, स्टार्ट विथ 1, 2 के टेबल में 63 नहीं आता क्योंकि 2 जो है हमारे पास इवन नंबर है और 63 ऑड नंबर है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, बहुत कम ही चीज़ों में होता है कि कोई ऑड नंबर इवन में आ जाए और इवन नंबर ऑड नंबर के मल्टीपल्स में आ जाए। 1 3 7 9 21 63, अब इसमें से जो हमारे पास दोनों में क्वेश्चन 42 और क्वेश्चन 63 में सेम नंबर है उसमें सर्कल बनाएंगे, 1 है बोथ, 3 है बोथ, देन उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर क्या आया है 21, सही। अब इन देखें 1 3 और 21 में हाईएस्ट कॉमन, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा नंबर है 21, सो एचसीएफ लिखने के बाद 21 लिखेंगे, हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है 25 एंड 60, सबसे पहले फैक्टर पास लिखेंगे किसके 25 के, 1 5, ठीक है, इनफ। उसके बाद 60 1 2 3 4 5 6 10 12 20 30, ठीक है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन कौन कौन सा नंबर, एक है 1, सेकंड है 5, इनमें से हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, सो एचसीएफ इज़ 5, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें 3 वैल्यू है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 22 66 एंड 99, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे 2 के बजाय 3 वैल्यू है। फैक्टर्स ऑफ 22 लिखेंगे, 22 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 66, अब 66 को लिखेंगे 1 2 3 6 एंड 11। उसके बाद 99 1 3 11, अब उसमें से कॉमन देखेंगे जो तीनों में आते हैं, एक 1 1 3 1 11, अब इनमें तीनों में बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है, 11 है, 11 हो गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है एंड लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आप अपना बहुत सारा ख्याल कर रखिएगा और इसके अलावा पोर्टर का काम भी आपको लाजमी अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसके भी प्रोग्रेस के आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।